बेशक उनको प्रकृति द्वारा बनाया गया हो या फिर उनको इंसानी हाथों ने बनाया हो, हमारी धरती ऐसे कमाल के स्ट्रक्चर्स या मैं कहूँ संरचनाओं से भरी हुई है जिनको आप फोटोज में देखकर उन पर विश्वास नहीं कर सकते। बेशक आज के समय में CGI या एडिटिंग के स्पेशल इफेक्ट से आप किसी भी लोकेशन को कहीं भी बना सकते हैं, जैसा कि आमतौर पर मूवीज में होता भी है, लेकिन फिर भी एक असली जगह का इस तरह का होना और उसे अपनी आंखों से देखना सच में कमाल का अनुभव होता है। और आज मैं आपकी आंखों को वही सब वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो इस घर में मौजूद है, जिस घर को हम पृथ्वी कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सिंगापुर में बनी ये कमाल की बिल्डिंग्स क्या हैं, तो आप इनको भूल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इनके बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मैं यहां बात कर रहा हूं इन कमाल के बड़े बड़े लट्टुओं की। माफ कीजिएगा, इनका आकार लट्टू जैसा है, लेकिन ये काम ऐसा करती हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। टेम्पनीज रोड के ग्रासलैंड पर बनी ये इमारत असल में पानी की टंकियां हैं। इसमें हर टंकी अपने अंदर एक समय पर 25,000 क्यूबिक फीट से ज़्यादा पानी भरकर रख सकती है। यहाँ कोई पुराना पानी नहीं भर कर रखा जाता, बल्कि सिंगापुर के लोग तो इसे जानते ही न्यू वाटर के नाम से हैं। पूरे देश में जगह जगह से गंदा और दूषित पानी इकट्ठा करके उसे साफ करके पीने लायक बनाकर इन टंकियों में भरा जाता है। दोनों टैंक्स का डायमीटर 120 फीट का है। अभी के समय में इन टंकियों का काम साफ पानी जनता तक पहुँचाना है, लेकिन उससे पहले ये पानी एक फैक्ट्री तक भेजती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाई जाती हैं। इन चिप्स को बनाने के लिए बेहद साफ पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी ये टंकियाँ पूरी करती हैं। दोस्तों, शहद कुदरत की बड़ी मीठी देन है, और यही असली शहद आपको बाजार में कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद बिल्कुल प्योर है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपके चम्मच तक पहुंचता है। इस पे आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर के देशों में भी भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है, तो आप इस दादेव हनी को अमेजन या फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेनेजुएला के बोलीवर स्टेट में बने सीमा हम्बोल्ट नामक ये सिंक होल्स सच में विशाल गए हैं, और ये कमाल का निर्माण खुद प्रकृति द्वारा बनाया गया है। ये अपने आप में कई तरह से सबसे अलग हैं। ऊपर से देखने पर यही लगता है कि ये दोनों गड्ढे सीधा धरती के बीच से चीरते हुए जाते हैं। इन्हें सबसे पहले 1961 में एक पायलट द्वारा देखा गया था, और इनमें से एक गड्ढा पूरे 1,000 फीट से ज़्यादा गहरा है, और वो पूरे 1,600 फीट चौड़ा भी है। इस बड़े गड्ढे के पास एक और गड्ढा बना हुआ है, लेकिन वो छोटा है। सारिसनामा नामक पर्वत पर बने ये दोनों गड्ढे अपने अंदर अलग ही दुनिया बसाए हुए हैं। इस बड़े गड्ढे के पास खुद का एक बड़ा सा जंगल भी है, लेकिन वो आपको तभी अच्छे से दिखेगा जब आप इसके अंदर जाकर खुद देखेंगे। लेकिन इसके अंदर जाकर देखने की हिम्मत आज तक बहुत कम ही लोग कर पाए हैं। वेनेजुएला की सरकार तो लोगों को कहती है कि वो यहाँ आए और इसे देखें, लेकिन इसके अंदर जाने से पहले लोगों का खास तरह का मेडिकल चेकअप किया जाता है, और ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए कतई नहीं है। दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट हो, वो इस प्राकृतिक मशरूम जैसी कलाकारी का फैन होगा। नॉर्वे के मैलोय में बनी ये कलाकारी किसी इंसानी हाथों द्वारा नहीं बनाई गई है। ये चट्टान ऐसी इसलिए दिखती है क्योंकि इस पर समय और प्रकृति ने अपना कमाल का काम दिखाया है। इस चट्टान का नाम कैनेथ स्टाइनिन रॉक है, और इसे इसका आकार पिछले हजारों सालों से उठी तेज लहरों ने और चली तेज हवाओं की वजह से इसे इसका आकार मिला। बेशक इसे सबसे बढ़िया नाम मशरूम दिया गया है, लेकिन फिर भी अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। कुछ रोमांटिक लोग इसे दिल के आकार वाली चट्टान भी मानते हैं। बेशक दिखने में ये चट्टान थोड़ी नाजुक सी दिख रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर एक साथ बहुत लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, और वो खड़े होकर फोटोज भी करवाना नहीं भूलते। कमाल की बात यह है कि जब लोग इस पर बैठकर समय बिताते हैं तो कई बार उनको पता ही नहीं लगता कि कब ज्वारभाटा आ गया, और वो इस चट्टान पर फंसकर पानी के वापिस नीचे जाने का इंतजार करते हैं। बदकिस्मती से एक समय ऐसा आएगा कि जिस पानी ने इसे इतना सुंदर बनाया है, वही पानी इसे एक दिन इतना घिस देगा कि इसका ऊपरी पत्थर नीचे आ गिरेगा। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा होने में अभी कई सदियां बाकी हैं। ये चट्टान हर समय सरकार की निगरानी में रहती है, तो सरकार का ये प्लान भी है कि अभी तो इसे कुदरती रखा जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो इसे रिपेयर भी करेंगे। केवपल्स एक कमाल का प्राकृतिक क्रियाकलाप है। ये गोलाकार पत्थर कैल्शियम सॉल्ट कॉन्क्रिएशंस के नाम से जाने जाते हैं।
इनका बनना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ये असल में एक सॉलिड न्यूक्लियस के चारों ओर बन जाते हैं और इसके बाद सालों तक इनको बहता हुआ पानी पॉलिश करता है। ये अपनी असल जगह पर कमाल का नजारा देते हैं, लेकिन अगर इनको इनकी गुफा से बाहर निकाला जाए तो ये तुरंत मुरझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे सुंदर केव पर्ल्स आपको कार्लसबाद कैवर्न्स नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएंगे। एक समय पर ये पर्ल्स यहाँ अटूट मात्रा में मौजूद थे। यहाँ घूमने आए लोग इनको हाथों में उठाकर भी देखते थे। बेशक अब ये पार्क बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी आज इसके अंदर बनी गुफाओं में हजारों की मात्रा में केव पर्ल्स मौजूद हैं और यहाँ लोग आज भी घूमने आते हैं। शायद आप विश्वास ना करें, पर इनकी गुफाओं में मौजूद मिट्टी के एक दाने के चारों ओर भी एक बड़ा सारा केव पर्ल्स जन्म ले सकता है, और साथ में अगर बहता हुआ पानी मौजूद हो तो इनकी खूबसूरती उभर कर सामने आती है। ऑस्ट्रेलिया में बना ये अजीब सा दिखने वाला पेड़, जो अपने तने के अंदर एक कमरे जितनी जगह समेट कर बैठा हुआ है, इसके बारे में एक कहावत ये भी है कि 19वीं शताब्दी के दौरान इस पेड़ को एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी जेल बनने की कहानी पर ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग इसका नाम ही बदल दें। जी हाँ, इस पेड़ का नाम है डर्बी प्रिजन ट्री। ये पेड़ चमत्कारिक रूप से बहुत पुराना है और ये यहाँ कम से कम 1500 सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसके तने में बना कमरा लगभग 50 फीट चौड़ा है और इसके अंदर जाने के लिए बनाया गया ये छेद सिर्फ यही दर्शाता है कि एक समय पर इसके अंदर जरूर लोगों को या तो रखा जाता था या फिर लोग खुद इसके अंदर रहते थे। साथ ही 1916 के समय इस छेद के अंदर से कई सारे इंसानों की हड्डियां निकाली गई। शायद हो सकता है कि वो हड्डियां यहाँ रखे गए कैदियों की हों। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।